हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल प्लांट्स केयर बाय अभिषेक में। दोस्तों, इंडोर प्लांट सीरीज़ वन के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तीन ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो अक्सर हम इंडोर प्लांट्स की केयर करते समय ध्यान नहीं देते हैं, और इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और हमारे प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अगर आपने भी अपने घर में इंडोर प्लांट्स लगाए हुए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस सीरीज़ के आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप भी उन टिप्स को फॉलो करके अपने इंडोर प्लांट्स की ग्रोथ में उनकी हेल्प कर सकें। तो बिना किसी देर के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन तीन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। दोस्तों, मिस्टेक नंबर वन में हम बात करने वाले हैं इंडोर प्लांट्स की वाटरिंग को लेकर के। अक्सर हम सभी लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि जितने भी प्रकार के इंडोर प्लांट्स होते हैं सभी में पानी की रिक्वायरमेंट एक जैसी होती है और हम सभी प्लांट्स में एक ही तरह से पानी देने लगते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि कुछ प्लांट्स जिनको बहुत ही कम पानी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और वो आपके प्लांट्स मर जाते हैं। इंडोर प्लांट्स में दो कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं। एक होते हैं सकुलेंट कैटेगरी के प्लांट्स जिनको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है और आपको इन प्लांट्स में 8 से 10 दिन के अंदर ही पानी देना होता है, जबकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको 2 से 3 दिन के इंटरवल में पानी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उन प्लांट्स को मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसीलिए हमें उनकी जो मिट्टी है उसमें मॉइस्चर का लेवल मेंटेन करके रखना होता है और उसको मिट्टी को सूखने से पहले हमें उसमें पानी देना होता है। तो दोस्तों, इंडोर प्लांट्स में वाटरिंग करने से पहले आप अपने जो भी इंडोर प्लांट्स हैं उनकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है उनकी अच्छे से जानकारी करें, उसके बाद ही उसमें आप पानी दें। मिस्टेक नंबर टू में हम बात कर लेते हैं इंडोर प्लांट्स की फर्टिलाइज़र को लेकर के। दोस्तों, इंडोर प्लांट्स की केयर करते समय अक्सर हम उनमें फर्टिलाइज़र देना भूल जाते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि उन प्लांट्स को जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स होती है वो फुलफ़िल नहीं हो पाती है और वो प्लांट्स सर्वाइव नहीं करते हैं। इसीलिए आप अपने सभी इंडोर प्लांट्स में एक या दो महीने के रेगुलर इंटरवल में फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। ये फर्टिलाइज़र आप सॉलिड या लिक्विड किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, जैसे कि आप वर्मी कंपोस्ट इसमें दे सकते हैं या फिर सी वीड लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर थ्री में हम बात कर लेते हैं सनलाइट की। दोस्तों, सनलाइट किसी भी प्रकार के प्लांट्स को एनर्जी देने का काम करते हैं, जिसकी वजह से उन प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो काफ़ी जल्दी होती है। इसीलिए मेरा सजेशन है कि जितने भी प्रकार के आपके पास इंडोर प्लांट्स हैं उन सभी प्लांट्स को हफ्ते में एक बार आप 2 से 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट ज़रूर दें ताकि वो प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सकें। दोस्तों, ये थी तीन कॉमन मिस्टेक्स जिनका हमें इंडोर प्लांट्स की केयर करते समय हमेशा ध्यान रखना है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दो और ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जिनकी वजह से अक्सर हमारे प्लांट्स मर जाते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप भी दिए हुए टिप्स को फॉलो करके अपने प्लांट्स को ग्रो करने में उनकी मदद कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।